हेलो फ्रेंड, चलो आज हम जो प्रीवियस क्लास का जो भी हमने मॉडल बनाया है उसको आज हम थोड़ा सा कलराइज करना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो पॉली कलरिंग से रिलेटेड बात हम करेंगे। ये इस ब्लेंडर के अंदर हम कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा आपका जो ये मॉडल बना है। बस ऐसे सिंपल देखने के लिए, एक्चुअली मैंने ये इस पर्पज़ से मॉडल बना के दिखाया आप लोगों के, जस्ट एक गेम पर्पज़ से, कि एक गेम का इन्वायरमेंट जो बेसिक हम बनाते हैं बना सकते हैं, तो उसका एक छोटा सा एलिमेंट्स हम बना के देखें। क्योंकि ये मेरा पहला अंडरस्टैंडिंग था आपको कराना, कि लाइक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग, तो आप इससे और डिटेल में कर सकते हो। तो चलो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। ऐसे आज के डेट में जो लो पॉली थ्री डी गेम जो बनते हैं उसमें ऐसे ही लाइक पॉली टेक्सचर को दिखाते हैं और अच्छा खूबसूरत दिखता है। उसमें क्या होता है कि रेजोल्यूशन बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि कलरिंग करने के लिए। तो चलो एक कलर करने का फंडा हम देखते हैं, और एक ही सिंगल मटेरियल से मैं कैसे इसको कलरिंग कर सकता हूँ। तो आप जस्ट अभी क्या करना है आपको, आप देखोगे कि सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट मतलब शेप्स में है, कुछ कुछ का ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स में, लाइक पॉली ग्रुप्स कर सकते हो आप। एक लाइक अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इंटायर ग्रुप एक पॉली ग्रुप में जाता है। तो चलो हम कहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पे कोई तो एक आपको ऐसा शेडर दिखना चाहिए व्यू पोर्ट के ऊपर जो आप प्रॉपर एक शेड के रूप में आप देख सको। तो एक सेटिंग्स होता है फ्रेंड्स जो आप देखोगे, व्यू पोर्ट सेटिंग्स, ये ओनली व्यू पोर्ट पे दिखता है, लेकिन आप रेंडर में कुछ डिफरेंट दिखेगा। लेकिन एनीवे जो आप कलर कर पाओगे उसको प्रॉपर देख सकोगे एक प्रॉपर शेडो के अकॉर्डिंगली। ओके, तो आप चले जाओ, ये जब इस मोड पे रहते हो, इस मोड पे रहते हो ये, और इस मोड पे रहते हो, तो ये तीनों मोड का मतलब है अलग अलग। जैसे मैं व्यूपोर्ट पे कुछ वर्किंग वाइज कुछ हम देखना चाहते हैं, ओनली व्यूपोर्ट सेटिंग्स, विच इज कॉल्ड व्यूपोर्ट सेटिंग। और आप इसको आप जाओगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इसे व्यूपोर्ट सेटिंग्स एक अलग। तो अलग अलग तीनों क्वालिटीज है कि अलग अलग तरीके से, जैसे आप इस मोड पे रहोगे तो आपको लाइट का इफेक्ट भी दिखेगा यहाँ पे। अगर ये फाइनली रेंडर मोड बोलते हैं इसे, तो रेंडर मोड में अभी पूरा ब्लैक दिख रहा है आपको, क्योंकि लाइट को मैंने हिडन करके रखा है। तो चलो मैं ये सब लाइटिंग के बारे में और जो भी है डिटेल बताऊंगा, जस्ट एक लिटिल बिट एक अंडरस्टैंडिंग है ये शेड को हम कैसे ब्लूप्रिंट के ऊपर ज़्यादा इंटरेक्टिव बना के हम देख सकते हैं, और काम करने में भी अभी मज़ा आएगा, ताकि आपको प्रॉपर डेप्थ शेडो एंड उसका एम्बियंट ओक्लूजन प्रॉपर दिखेगा आप जो मॉडल करते हो उसका। तो आप इस मोड पर रहेंगे और यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पे उसका एक अपना एक सिंग लाइट्स है, लाइक शेडो है। तो ये शेडो को आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था। तो अभी क्या करना क्या है इसमें, हमें टेक्सचर लगाने के लिए क्या करें, सबसे पहले आप करो कि कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट दो। मान लो कि मैंने बेस को पकड़ा इसका, और बेस का एक खास एक जस्ट कलर देना है मुझे, थोड़ा इंटरेक्टिव, थोड़ा सा कार्टूनी। ओके, तो क्या करते हैं इसके लिए, हम शेडर पे जाते हैं, थोड़ा सा शेडिंग का नॉलेज भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप शेडर पे जैसे जाते हो तो आप देखते हो कि इसको जूम आउट कर दो, ठीक है। तो आप जैसे शेडर पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये आपको ये व्यूपोर्ट शेडिंग पे चला जाता है, क्योंकि व्यूपोर्ट शेडिंग में जो आपका एक्चुअल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो मटेरियल्स का दिखेगा, ये मटेरियल एडिटर होता है जो हम आगे अब बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ मैं आपको। अभी बस थोड़ा सा इंटरेस्ट पर्पज से मैं सोच रहा हूँ कि इसका कुछ एक खास लुक दे दूँ, फिर मैं कुछ अलग अदर मॉडल के ऊपर आ सकूँ। लाइक मैं जल्दी जाना चाहता हूँ करेक्टर की तरफ, करेक्टर मॉडलिंग, जैसे कार्टून मॉडलिंग, 3D कार्टून मॉडलिंग जो आप आज का ट्रेंड चल रहा है अभी इंडस्ट्री में, लाइक एंड ऑल्सो लाइक कॉमेडी चैनल्स बनाने का होड़ लगा हुआ है अभी यूट्यूब चैनल पे, इवन मैं भी बना रहा हूँ। तो आप लोग भी बनाओ, पार्ट बनो, तो आपको बहुत ही पैशन के साथ सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखोगे, एक समय आएगा कि मैं बहुत सारे एडवांस में आपको ये दूंगा ट्रेनिंग स्टाफ्स, लाइक ट्यूटोरियल्स। तो आप कहीं पे आपको रुकने नहीं दूंगा मैं। ओके, तो क्या करते हैं यहाँ पे, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, इसमें भी सेम इसका फंडा है, आपको शिफ्ट एंड मिडिल माउस बटन से आप इसको पैन कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो स्क्रॉल से, देन आप ऐसे काम करोगे। तो जूम हमने अभी किया, और यहाँ पे एक टेक्चर हम प्लेस करेंगे। देखो इसमें टेक्सचर प्लेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, आइदर यू कैन इम्पोर्ट। ओके, आइदर आप सीधा, अगर आपको ज़्यादा इम्पोर्ट मतलब बेसिक तरीके से बताता हूँ, हमारे पास एक फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले। ओके, सो इस फोल्डर में आप देखोगे कि हमने कलर चेकर प्लेट्स कुछ बना के रखा है, ठीक है। ये बनते हैं कैसे, मैं एक छोटा सा कटआउट में एक बीच में लाइनअप कर दूंगा, ये फोटोशॉप पे हमने बनाया है, तो इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ, ठीक है।
ये इस क्या होता है कि इसे बहुत आपका शेडर का जो टेक्सचर का जो रेजुलेशन बहुत इजीली आपको नेविगेशन करने के लिए यूज होता है, लाइक बहुत ही कम रेजुलेशन पे आपका काम होता है आई मीन टू से। तो आप यहाँ पे क्या करो, इस ये जो टेक्सचर का रहा है इसको क्लिक कर दो। देखो कनेक्शन करना पड़ता है, बहुत इजी तरीका है। दिस इज कॉल्ड नोड्स, ये शेडर नोड्स हैं। ये जस्ट इसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देता है और इसमें हम कुछ सेटिंग्स रखते हैं, जैसा हमें मेटेलिक बनाना है या कोई स्किन शेडर बनाना है या जो भी है वुडन। मतलब अब मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी बस ऐसे समझ लो। तो आप कलर इसके साथ कनेक्ट कर दो बस बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं जैसे इसे कलर सेलेक्ट किया तो हमारा जो ये चेकर है इसके अंदर जो हमने कलर रखा था वो इसके ऊपर स्प्रेड होने लगा, मतलब इस पर दिखने लगा प्रॉपर सीन के ऊपर। तो ये अगर ये ऐसा दिखता है तो ड्यू टू कुछ सेटिंग्स कि आपका टेक्सचर जो हमने लगाया इसके ऊपर बहुत लो रेजोल्यूशन का है। लाइक इसका जब हम फाइल ले फोटोशॉप में क्या करते हैं, 8 बिट का, जस्ट 8 पिक्सल्स का ही एक फ्रेम लेते हैं, 8x10 या कुछ भी। मैंने इसमें ऐसे 8x10 लिया है और उसमें बस आप देखोगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा, बाकी फोटोशॉप तो सिंपल सब कोई जानता है। अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न होगा तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हो, नो इशू। ओके सो अभी क्या करना है इसे, इसके लिनियर से आप इसको क्लोशेट करो, अलग अलग है। जैसे क्यूबिक, क्यूबिक अगर हमने किया तो क्यूबिक लाइक जैसा मेरा ये सरफेस है जो हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, तो इस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड में हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड में इसे आप हाइड कर दो, अभी एच कर दो। ओके देन दिस वन आल्सो एच, तो हाइड रहने दीजिए, फिर इस पे सेलेक्ट कर दो, फिर से अगेन आपका शेडर पैनल में आ जाएगा। तो अलग अलग जस्ट ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन के बारे में भी मैं बात करूंगा। अभी फिलहाल इसको मैं क्लोसेट रखता हूँ कि मतलब एक क्लोसेट में ऐसा आपको फाइनली आपको दिखेगा विदाउट ब्लर। तो अभी होता है क्या, अभी ये इसका एक कोई भी जो पॉलीगन्स ऑब्जेक्ट होते हैं उसका अपना एक कोऑर्डिनेट होता है, एक यूवीज मैप्स होते हैं इसके इंटरनल, दैट्स बाय डिफॉल्ट होता है, जिसमें हम उसके हिसाब से हमने कलर को उसके ऊपर हम मतलब प्रोजेक्ट करके हम दिखा पाते हैं आपको व्यूपॉइंट पे, आप वही दिखता है। तो चलो जो यूजर होंगे जो माया में ये सब टेक्सचरिंग के बारे में जानते होंगे, तो चलो मैं आगे तो इसका टेक्सचर के बारे में बहुत काफ़ी चीज़ बताने वाला हूँ, बिल्कुल आप मेक श्योर रहो। तो क्या करना है यहाँ पे, अभी मुझे एक इसका यूवीज एडिटिंग को ओपन करना पड़ेगा। यूवीज एडिटर यहाँ है, इसको जूम कर लो आप, तो यूवीज एडिटर में आप देखोगे कि ये है, ये पैलेट आपका आया, ठीक है। तो अलग अलग हमने जो बनाया है अपने टेक्सचर के हिसाब से, ये पहले जो हम इसमें जो रिक्वायर्ड कर रहा हूँ मैं वो मैं करूँगा। तो जस्ट मैं सेटिंग ग्रुप पे जाता हूँ फिर से, ये जो हमने चेकर लिया इसको मैं ब्रेक करना है। ओके तो आइदर इसको आप डाउन कर दो, और ये वाला नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। आई नीड अनदर थिंग, तो आप दूसरा इमेज ले लो, लाइक जो हम अपने हिसाब से जो हमने चूज किया है वो मैं यूज करूंगा। जिस प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल कलर लिया मैंने, फिर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा कलर मैंने कुछ अलग डिफरेंट पैलेट बना के रखा है, अदरवाइज अपने वर्क के हिसाब से जैसा आप थीम बनाना चाहते हो कलर का पूरा ऑल ओवर इन्वायरमेंट का, देन यू कैन यूज लाइक दैट, वो पैलेट आप ले सकते हो। ओके तो फिर से मैं वही करूंगा क्लोसेट, तो हमारा वो चेकर्स इसके ऊपर दिखता है। तो ये क्यों दिख रहा है इसके ऊपर, थ्रो दिस मैंने ये इमेज को कनेक्ट किया इसके साथ, ये शेडर है और ये शेडर आउटपुट दे रहा है इस मटेरियल आउटपुट के हिसाब से, और ये इसका इंटरनल कनेक्टेड इस मटेरियल के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ है। तो चलो हम टेक्स्ट बॉक्स पे जब हम जाते हैं और दिस सेलेक्टेड, और एडिट मोड पे जाओ बाय प्रेसिंग टैब, तो टैब बटन को प्रेस करके आप जाओगे यहाँ पे टेक्सचर मोड पे चले जाओ, दिस इज नॉट टेक्सचर मोड, तो यूवी टेक्सचर एडिटर यहाँ पे ओपन कर लो। तो हमारा ये मेरा कंसर्न था कि जो मैं जो बनाया था हम अपने कलर के हिसाब से मैंने ये बना के रखा पैलेट, बहुत ही कम रेजोल्यूशन का है। ओके सो डू वन थिंग, इंटरेस्टिंग होगा अभी। अभी क्या करना है कि जो ये हम जब ऑब्जेक्ट को जो सेलेक्ट करते हैं व्यू के ऊपर, अभी हो सके तो आप एक काम करो, बाकी सबों को हाइड कर देना है ना। तो हाइड करने के लिए सिंपल है, आप ऑब्जेक्ट मोड में ही रहो और मुझे इसको ये करना है, लाइक ये ऑब्जेक्ट रहना चाहिए और बाकी सब हाइड होना चाहिए। यस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आपको करना क्या है, जस्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन शिफ्ट एच प्रेस कर दो। तो क्या होता है, शिफ्ट एच प्रेस करने से जो आपका बाकी का एनवायरनमेंट एट ए टाइम हाइड होगा, दैट मीन्स कि अपने लैंग्वेज में बोले तो ये आइसोलेट हो गया आपका। मतलब आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसी को हम सिर्फ
उसके ऊपर ही फोकस रखना चाहिए हमें, और बाकी सबको हम नहीं पहचानेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में एक बहुत अच्छा एक वर्क कन्वीनियंट है कि आप इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके देन शिफ्ट एच प्रेस कर दो, तो क्या होता है ये हो जाता है आपका आइसोलेशन मोड में, तो आप सिर्फ इसके ऊपर आप देख सकते हो। चलो अभी हमें टैब प्रेस करना है और ऑल सेलेक्टेड बाय प्रेसिंग ए जो भी कंपोनेंट्स पे है, तो आप देखोगे कि ये जो सिक्स साइड्स है इसके, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे ही बताता हूँ। सिक्स साइड्स जो होता है अलग अलग प्रोजेक्शन कहलाता है, मतलब आपको एक बॉक्स में मिनिमम या मैक्सिमम, अगर एक बॉक्स को देखें प्लेन सरफेस बॉक्स को जो आप व्यू पॉइंट पे देख रहे हो, तो इसमें सिक्स साइड्स होते हैं विच इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो सिक्स साइड्स क्या होता है, एक्चुअली होता है तीन डायरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे तीन को छह डायरेक्शन में हम लोग बोलते हैं सिक्स डायरेक्शन में। क्यों? कि टॉप एक डायरेक्शन हुआ और बॉटम जस्ट उसका अपोजिट है, तो टॉप बॉटम एक हो गया, मतलब टॉप बॉटम इसमें ब्लेंडर के हिसाब से जेड जेड एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, तो आइदर जेड एक्सिस माइनस आइदर जेड एक्सिस प्लस, वैसे ही एक्स माइनस एक्स प्लस, वाई माइनस वाई प्लस। तो जो प्लस माइनस मतलब जो अलग अलग प्रोजेक्शन आप देख रहे हो, दिस इज सिक्स प्रोजेक्शंस, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में आप देख पाते हैं उसको। तो ये अभी चलो हम जब टेक्सचरिंग के बात पे आएंगे तो मैं अनरैपिंग सिखाऊंगा, तो बहुत अच्छे समझाऊंगा इसके बारे में ये दोनों में क्या है। तो ये जो जितने भी फेसेस हैं उनको अगर आप ओपन कर दो, लाइक बैंड है, लाइक ऐसे ऐसे एक बॉक्स बना हुआ है, अगर एक माचिस के डब्बा की तरह इसको खोल दो, ओपन कर दो सबको, तो आप देखोगे कि ये सबका अपना अपना स्पेसिफिक फेसेस है यहाँ पे विच इज देयर। ये है आपका यूवी एडिटर में। तो क्या होता है कि जितना ये फेस अगर मैं देखता हूँ ये फेस, और इसको ग्रैब करो जी प्रेस करके, तो आप जैसे मूवमेंट करोगे तो इसमें मूवमेंट आएगी। आप ही रेंडर मोड पे रखो तो ताकि आप देख सकते हो यहाँ व्यूपॉइंट के ऊपर की हो क्या रहा है। तो दिस सेलेक्टेड, यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो सडनली आपको जी प्रेस करोगे तो ये जो सेलेक्टेड होगा उसको ग्रैब करेगा, तो आप देखोगे उतना एरिया पे इफेक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ से अगर आप ऑफ कर दो तो और बढ़िया से आप देख सकते हो यहाँ पे जी प्रेसिंग, तो लुक लाइक दिस आप देख पाते हो। तो चलो लाइटिंग मोड को हमने ऑफ कर दिया, तो इसका जो इंटरनल लाइट है उसको आप देखना चाहते हो व्यू पॉइंट में प्रॉपर, तो आप जैसे मैंने एक लाइट लिया हुआ है सिंपल ऐसे व्यू के लिए, तो एक एक लाइट को मैंने ऑन कर दिया, मतलब इस लाइट को भी ऑन कर देता हूँ, तो ये शेड वगैरह प्रॉपर दिखेगा। तो आप देखो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, तो अभी आप क्लियरली यहाँ पे देख पाओगे, जज कर पाओगे। चलो ये हो गया। या और अच्छा शेडर देखना चाहते हो इसके ऊपर और इस मोड पे देखना चाहते हो कि बार बार आप रेंडर मोड पे ना जाए, तो क्या करें, यहाँ पे क्लिक करो अभी फिलहाल, और यहाँ जाने के बाद ये व्यूपोर्ट शेडिंग है, और इसका सेटिंग्स में जाते हैं बाई क्लिकिंग दिस एरो बटन, एंड इसमें आप जाओगे तो अभी मैंने इसमें टेक्सचर यूज़ किया है, तो क्या करेंगे, मैं इसको टेक्सचर को व्यूपोर्ट पर डिस्प्ले करना चाहूँगा, तो इसको ऑन कर दो। ओके, देन ये इसका कैविटिकल ऑन करते हैं, देन इसका टेक्सचर शेडो ऑन करते हैं, सिंपल। तो सब चीज़ ऑन होने के बाद आपका कुछ कुछ सेटिंग्स भी रखो इसका, अगर आप टाइप में बोथ कर दो, लाइक इसमें होता है वर्ल्ड एंड स्क्रीन, जो स्क्रीन जैसे व्यू करोगे उसके हिसाब से, तो ये वर्ल्ड भी हो स्क्रीन भी हो तो बोथ कर दो आप, तो दोनों कैसे भी रखोगे तो ये पूरा शेडेड मोड दिखेंगे। एंड वन थिंग मोर, आप इसका रेंज बढ़ा दीजिए, वैली रेंज को लाइक दिस, एंड इस रेंज को और इस रेंज को, स्क्रीन स्पेस और वर्ल्ड स्पेस को, तो आपको कुछ तो ऐसा फैंटास्टिक एक कुल लुक दिखेगा आपका सीन के ऊपर, आपका मेस आप काम करते रहो होता रहेगा। तो चलो दोस्तों अभी मैं ये देखता हूँ कि ये जो इसे हम चाहते हैं कि सिंगल कलर में रखें इस बॉक्स को, पूरे क्यू को, या मैं किसी भी फेस को स्पेसिफिक कलर पे रख सकता हूँ, तो उसके लिए मैं ट्रीटमेंट करूंगा जो मैं आपको दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट लाइक एडिट मोड में। तो अभी मैं एडिट मोड में हूँ और मैं फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा फेस, क्यों, क्योंकि मैंने इसको टर्न ऑफ किया है। तो शेडो ओवरले को ऑन कर दो फिलहाल, क्योंकि अभी आपको काम करना है, तो आपको देख पाओगे सिलेक्शन हो रही है नहीं हो रही है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे मान लो कि ऊपर का जो फेस है, इस फेस में मैं रखना चाहता हूँ कोई एक खास कलर, मान लो ग्रे कलर रखना चाहता हूँ, तो जो फेस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है तो उसका ही इमेज दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप इधर आओ और ए प्रेस करो इस यहाँ पे कर्सर रखने के बाद, और एस प्रेस करके इसको स्केल कर दो, मतलब इसको स्केल करके जीरो कर दो, और आपको ऐसा हो जाए कि एक पॉइंट में जितने भी इसके वर्टेक्स से एक पॉइंट बन जाएगा, तो क्योंकि जो वर्टेक्स जहाँ पे रहता है वही कलर यहाँ पे डिस्प्ले भी करता है। वैसे भी पॉली पेंट कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे होते हैं फ्रेंड्स, तो आप एक चीज़ याद रखना, ये वर्टेक्स पे पेंट होता है, फेस पे पेंट नहीं होता है, न तो एज पे पेंट होता है, ये ऑलवेज ये वर्टेक्स को पेंट करता है, और वर्टेक्स कनेक्टेड होता है एज के साथ, और एज एक क्वाड बना के या ट्रायंगल बना करके पॉलीगन को रखता है, शेप बना करके, जो हमने पहले भी देखा था। तो ये क्या करता है,
उसी को कलराइज करेगा। जैसे मुझे ये एक पॉइंट्स दिख रहा है, जो इसका 4 पॉइंट्स था, ये 4 पॉइंट्स एक के ऊपर हमने स्केल करके रख दिया, मतलब ये इस वर्टेक्स पे जो कलर होगा, इस पे कलर होगा, इस पे कलर होगा, इस पे कलर होगा, वही कलर इसके ऊपर डिस्प्ले होगा। ओके ठीक है। तो अभी क्या करो कि दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जी प्रेस करके आप रखो। अब मैंने बोला था कि इसको थोड़ा ग्रे रखेंगे, ग्रे कलर का, जैसे कुछ सीमेंटेड टाइप का है, समथिंग लाइक दिस, इतना। तो अब जैसे आपको कलर रहे, आपकी जस्ट यूज होगा, अब इस पे क्लिक करो तो आप देखो ग्रे कलर का यहाँ पे दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि इनको भी ग्रे कर दूँ, तो हमें पूरे को इंटायर इसको ग्रे करना था, तो हम यहाँ पे ए प्रेस करेंगे, अगेन यहाँ जाएंगे और यहाँ पे फिर से ए प्रेस करेंगे, ऑल सेलेक्टेड, एंड एस प्रेस करके और जीरो, मतलब जीरो स्केल करके फिर से इसको पूरे को रख दिया एंटायर को, और फिर हम जी प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये पॉइंट्स दिख रहा है यहाँ पे। तो जहाँ पे रखो आप, जो रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप यहाँ पे प्लेस कर दो, कि मुझे थोड़ा ग्रे ऐसा रहना चाहिए इस पे, सीमेंटेड टाइप का। तो ये इस पे क्लिक करके छोड़ दीजिए, और आप बाहर क्लिक करके देखो, आपको कुछ ऐसा कलर हो गया एक का, एक के ऊपर। ओके नाउ ऑल लाइक, फिर से हम बाकी लोगों को लाते हैं इधर से बाय प्रेसिंग टैब एंड शिफ्ट एच प्रेस करो। हाँ, तो दिस सेलेक्टेड दोस्तों क्या करना है, सिंपल, आप यहाँ कलेक्शन सेलेक्ट लो एक बार, एंड एंड आप अल्ट एच प्रेस कर दो। तो अल्ट एच प्रेस करने से क्या होता है, बाकी का जितना भी है सेलेक्टेड के साथ सब अनसेलेक्टेड हो जाता है, तो आप मतलब अनहाइड हो जाता है। तो आप देखोगे अनहाइड हो गया, हमारा ये पहला एक काम था। ठीक है, नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, इसको अभी मैं हाइड करके रखता हूँ, एक्चुअली सब इसके साथ ग्रुप्ड है, अब इसकी ज़रूरत नहीं, आप इसको डिलीट कर दो, नो इशू। तो अभी ऐसा हुआ, नेक्स्ट मैं कलर करना चाहता हूँ इन दोनों को, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग। तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, लाइक इसे सेलेक्ट कीजिए और फिर से क्या करना है, शिफ्ट एच प्रेस करना है, सिर्फ आप यहीं पर देख पाओगे। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट मैं कलर कर सकता हूँ, मतलब बीच में कुछ अलग कलर रखते हैं, इसमें कुछ अलग कलर रख सकते हैं, तो आप जितना पॉली कट्स है उसके हिसाब से कलराइज करो। चलो हमें देखना है थोड़ा सा अपने हिसाब से, मैं कलर करना चाहता हूँ, तो मैं टैब प्रेस करता हूँ। तो टैब प्रेस करने के बाद जो भी मोड होगा, अगर वन प्रेस किया तो ऑल सेलेक्टेड, ए प्रेस करते हैं ऑल सेलेक्टेड, और इसका भी आप यूवी टेक्चर एडिटर पे जाओगे तो आप देखोगे इसका कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें मटेरियल यूज नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो वही मटेरियल जो हमने बनाया उसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आप जाओ शेडिंग में फिर से, और शेडिंग में जाने के बाद आप देखोगे जो मटेरियल था उस मटेरियल को हम फिर से इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो सेम कलर इसके ऊपर भी आ गए। ठीक है, तो नाउ दिस सेलेक्टेड, दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, व्हाट टू डू, और यहाँ पे आप चले जाओ एडिटिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार ए प्रेस करके देखो। ठीक है, तो ऑल सेलेक्टेड, लेकिन इसमें मटेरियल नहीं लगे हुए, तो आप वही टेक्सचर लगा दो आपको लगता है, तो उसी शेडर्स को आप इसमें यूज कर लो, अगेन इंपोर्ट कर लो जो ये फाइल है, जैसे जो हमने चेकर प्लेट लिया था, फिर से मैं उसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे लाइक दिस, और एक कनेक्शन कर लेते हैं इसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबको कलराइज करते जाएंगे, क्योंकि जब तक आप इसके, जैसे मटेरियल 001 लगा हुआ है, और उस पर क्या मटेरियल 1 अगर लगाओगे तो ये पहले वाला टेक्सचर लग गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं पहले वाला ही हमें यूज़ करना है तो नहीं इश्यू, अदरवाइज आपको न्यू बनाना है तो फिर से यहाँ पे डिलीट कर सकते हो या नया बना सकते हो, ये सब के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। चलो आप ऐसे देख लो इसको, कलरिंग सिंपल वे में जो हमें बताना कंसर्न था वो मैं बता रहा हूँ आपको, और जस्ट डू इट। तो आप जाइए यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कीजिए बाय प्रेसिंग टैब, और आप टेक्सचर ये ले लो, यूवीज एडिटर को उठा लो। तो जब तक आप यूवीज में टेक्सचर नहीं लगाओगे तो यहाँ पे टेक्सचर में कुछ दिखता नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, इनको अपने हिसाब से कलराइज करूँगा। जैसे मान लो मुझे सेलेक्ट करना है सिर्फ इसमें अलग और इसमें अलग, तो चलो इसको फेस सेलेक्ट कर लीजिए बाय फेस सेलेक्शन मोड, दिस वन एंड दिस वन। अब देखो आप इसमें करोगे काम तो इसमें होगा, क्योंकि आप याद करो ये एक एक इंस्टेंस बना हुआ है जो हमने एरे मॉडिफायर लगा के बनाया हुआ था, तो जो ये पहला मेन ऑब्जेक्ट है जो मैं इसमें कलर डालूंगा वही कलर इसमें भी मिलेगा। क्या करते हैं, सिंपल, जो दोनों में जो कलर रखना है दोनों को सेलेक्ट करो, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट के लिए यहाँ पे कर्सर लेके ए प्रेस कर लो, एस प्रेस करो, जीरो प्रेस कर दो, तो ये भी एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। देन क्लिक करो एक बार लेफ्ट क्लिक, और जी प्रेस करके आप ग्रैब करो कि कैसा कलर दिखाना चाहते हो ये, आप व्हाइट रखना चाहते हो, थोड़ा सा ज़्यादा व्हाइट रखना चाहते हो, दिस इज योर चॉइस, या जो भी। तो चलो मैं थोड़ा सा ये कलर डालता हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा ऑरेंजी कलर। ठीक है,
तो ये ऑरेंज कलर हो गया, कोई भी कलरफुल दे के मैं दे रहा हूँ, कुछ ऐसा सटन नहीं, मतलब एक थोड़ा सा खूबसूरती दिखे चले। देन अल्ट क्लिक ऑन इट, तो अभी देखो ये लूप में नहीं है, लूप में नहीं रहने की वजह से क्या होगा कि हम इसको एक एक करके सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो बाय डिफॉल्ट। तो अब शिफ्ट प्रेस करके और क्लिक करते जाइए और सेलेक्ट कर लो इसको। मान लो हमें इसमें अदर कलर देनी है, तो आपको पता चलेगा कि एक बार में दो कलर हम कैसे डाल सकते हैं। चलो इधर से आपने ये सेलेक्ट किया, मूव कर लो थोड़ा सा, बाय होल्डन शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, तो चलो नीचे का नहीं दिखेगा तो इतना छोड़ दो। इतना जो सिलेक्शन हुआ, इस पार्ट को मैं करना चाहता हूँ एक अलग कलर, तो क्या करते हैं यहाँ पे कर्सर रखते हैं, देन ए सेलेक्ट कर देते हैं, एस प्रेस करते हैं और जीरो प्रेस कर देते हैं, मतलब स्केल डाउन कर दिया, ये क्लिक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे जो कलर होगा, फिर जी प्रेस करके कौन सा कलर देना ऊपर में, चलो आप व्हाइट दे दो चलेगा, थोड़ा मार्बल टाइप का लगेगा, इसको दे दो। तो आप डिसलेक्ट करते हो, एड ए मोड पे जाते हो, तो देखो क्या मिला आपको, सिंपल ऐसा एक कलर मिल गया। बाकी स्ट्रेयर्स वगैरह को भी हम कलर करेंगे, तो फिर से हम कलेक्शन पे जाएंगे और क्या बोलेंगे, ऑल्ट एच, तो बाकी सब अनहाइड हो जाता है इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ पे मटेरियल यूज किया, अभी जो आप देखोगे जो एक मटेरियल जो डिफॉल्ट था उस पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया, तो इसके लिए ऐसा दिख रहा है। मैं ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि इसका मटेरियल से वो कनेक्शन हट जाए, तो आप शेडेड बोर्ड में जा और इसको डिसकनेक्ट कर लो, मुझे नीचे में ना कुछ चाहिए, तो मैं इसको हटा लिया फिलहाल। ठीक है, इसको हटाने के बाद जो बेसिक मटेरियल है उसका क्या कलर होगा, मान लो ये बेसिक मटेरियल का कलर थोड़ा सा मैं हल्का सा लाइट ग्रीन करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, जैसा भी आपको लगता है, ब्लू ग्रीन थोड़ा सा लगा दो, या आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे टाइलिंग टाइप का दिखना चाहिए, प्लेन है तो आप वो भी टाइल लगा सकते हो, कोई अदर टेक्सचर्स भी है तो हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं, चेकर कैसा हम पैटर्न्स लगा सकते हैं, ओके वो भी पॉसिबल है। चलो ठीक है, अभी टेक्सचर मैं कलेक्ट करके नेक्स्ट आगे बताऊंगा बढ़िया से। तो चलिए आपके क्या करना है, यहाँ पे अब आगे जाओ नेक्स्ट, अब इस पर क्लिक करके देखिए अब कैसा दिख रहा है, समथिंग ऐसा। तो ऑलवेज क्या होता है कि इसको हमें ऑफ हो जाता है, इसको ऑन करके रखना पड़ेगा प्रॉपर, जो आप शेडेड मोड में यहाँ पे और टेक्सचर भी व्यूपोर्ट पे देख पाओगे, तो कीप इट। मैं मोड चेंज करता हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम होता है हमेशा, जब हम ये टेक्सचरिंग इस पे जाते हैं तो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट ही रेंडर मोड पे लेके चला जाता है, रेंडर शेडिंग पे, तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके जैसे अभी ओके, तो बाकी का जो कलर्स है हम कैसे इसके अंदर करेंगे, आप देखो एकदम लाइट का इफेक्ट अभी पड़ रहा है सीन के ऊपर, तो ऐसा दिख रहा है। तो आप क्या करें, लाइट को आप हाइड कर दो अभी फिलहाल, नॉन लाइट ऑन कर लो, ऐसे देखो तो आपको प्रॉपर दिखेगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, नो इशू। तो ये हो गया, ये हो गया। अभी हम ये जितने भी ऑब्जेक्ट है, लाइक अब टैब प्रेस करके आप इस मोड पे चले जाओ, देन सेलेक्ट, ओके टैब प्रेस करो, देन सेलेक्ट, तो अभी सिलेक्शन नहीं दिख रहा क्योंकि ये टर्न ऑफ किया हुआ है, तो आप इसको ऑन रखो। नाउ जितने भी ये हैं, इसके पिलर्स हमने बनाए छोटे छोटे, सारे पिलर को सेलेक्ट कीजिए एक बार, वन टाइम, लाइक दिस एंड अपर भी है, वन टू सॉरी इस पे जाइए, हाँ देन दिस एंड दिस, तो ऑल सेलेक्टेड, एंड ये भी सेलेक्ट कर लीजिए, इसे भी, हाँ इतना सेलेक्ट करके मैं इसमें अलग एक स्टील का मटेरियल टाइप का कुछ लगना चाहिए, ग्रे एकदम बिल्कुल डार्क ग्रे, तो वो हम देंगे इसमें। तो उसको देने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑल सेलेक्टेड नया मटेरियल ले लो, तो एक नया मटेरियल इनके ऊपर जनरेट हो गया, आप जो भी इसमें चेंज करोगे तो ये सब पे इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे इन सबको पकड़ के आप एक बार टैब प्रेस कर दो, ठीक है, तो सबका एक मटेरियल सेलेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, और इसके ऊपर हम एक वही पैटर्न्स को लगा देंगे इसके ऊपर भी, अगर मैं अलग से बनाया तो। आइदर यू कैन यूज सिमिलर मटेरियल, जो मटेरियल वन था आप इसको अप्लाई कर दो, नो इशू। तो ये मटेरियल अप्लाई होने के बाद आपका ये ओपन होता है, ठीक है, तो ये ओपन हो गया, तो सबका एक कॉमन सेलेक्टेड है। तो हम यहाँ पे जाके कर्सर को ये प्रेस करते हैं और एस प्रेस करके इसे जीरो कर देते हैं ताकि स्केल हो जाए। अब जी प्रेस करके आप ग्रैब करो कैसा कलर रखना है, तो मालूम है ऐसा थोड़ा सा कलर देता हूँ जो आपको, देखो दिस इज योर चॉइस, आप क्या कलर दोगे, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं कुछ भी कलर इसमें एक थोड़ा सा डार्क ग्रे देता हूँ, ऐसा ऐसे स्टील का जैसा थोड़ा दिखे,
तो ये हो गया आपका एक कलर, आप बाहर क्लिक करो एक बार, तो सबको मैं एक कलर ले लिया, एक जैसा कलर लगना चाहिए। और जितने भी स्टील है, ये जो स्टील रेड टाइप का लगा हुआ है, वो भी अलग अलग कलर करेंगे। चलो ये तो कलर होता रहेगा फ्रेंड्स, ऐसा ही दिख रहा है प्रॉपर। अरे यहाँ पे एक कॉपी कम हुआ था, अभी भी हमें इसको कॉपी करना होगा, चलो छोड़ दो अभी फिलहाल। बाकी जब अगर विंडोज़ की बात करें, एक चीज़ दो चीज़ों को मैं बता के आपको ये करता हूँ। अभी एडिट मोड से टैब मोड पे चले जाओ और इसे सेलेक्ट करो कि इसका ग्रुप में क्या क्या है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक इसके ग्रुप के साथ है या अलग है ना। तो ये कैसे पता चले, जब आप ये प्रेस करोगे टैब तो एडिट मोड में आता है ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, एंड वन प्रेस करते हैं तो पता चलता है कि सब एक साथ है लेकिन सब स्पेसिफिक है, अलग अलग है। तो ऐसे में अगर मैं थ्री प्रेस किया, बहुत अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो एक को सिलेक्शन करो, आप चाहते हो कि जो इसके इंटायर है वही सिलेक्ट हो, ये सब नहीं सिलेक्ट हो, दिस इज डिफरेंट। मान लो कि ये मेस इसके साथ है, मतलब समझ रहे हो कि एक मेज का ग्रुप है जो अलग अलग है लेकिन एक साथ है, अब समझ लेना। तो अभी जैसे आप यहाँ पे कर्सर एक फेस को सेलेक्ट करके सिर्फ एल प्रेस करो, एल से मतलब टोटल सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है। चलो इसको देखने के लिए एक काम करो, आप अभी ऑब्जेक्ट मोड में जाओ अगेन, और सिर्फ यही ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए तो हम प्रेस करते हैं शिफ्ट एच आइसोलेशन मोड में। अभी क्या है, जितना सेलेक्ट आप रखते हो आइसोलेशन मोड में, मतलब ये ग्रुप है। अभी देखो आप समझो, यहाँ ऑब्जेक्ट सब तो अलग अलग पीसेज हैं, बट क्या हो रहा है कि इसी के ग्रुप में ये अटैच्ड है। तो अटैच्ड ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक एलिमेंट्स वाइज कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो वो बहुत कमांड है कि आप किसी एक फेस को सेलेक्ट कर लो और वहाँ पे एल प्रेस कर दो, तो आप देखोगे सिर्फ इंटायर उसको पकड़ेगा। अगर मैं इसे भी पकड़ना है तो सिर्फ प्रेस दिस एंड प्रेस एल हेयर ऑल्सो, तो मतलब एक साथ पूरा को सिलेक्शन कर लिया यहाँ पे। और हम जो भी इसमें कलर देंगे तो स्पेसिफिक कलर यहीं पे लगेगा और किसी का नहीं। तो हम जितने भी विंडोज हैं सबको एक बार, सबका सेम कलर रहने वाला है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आप देखना इसको समझने कोशिश कीजिए, बाय प्रेसिंग शिफ्ट देन क्लिक एंड प्रेस एल, एंड बाय शिफ्ट क्लिकिंग एंड प्रेस एल। तो आप देखो सबका फ्रेम छोड़ के मैं सिर्फ जो मेन जो बीच का जो डिजाइन है उसको मैंने सेलेक्ट करना है, प्रेस शिफ्ट एंड एल एंड प्रेस शिफ्ट क्लिक एंड एल। तो ऐसे करके आप शिफ्ट प्रेस करो, एल प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करो, एल प्रेस करो, देन ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको बहुत सिलेक्शन करना है अभी, तो दिस सेलेक्टेड शिफ्ट एंड एल, कर्सर यहाँ पे होना चाहिए आपको, कर्सर ऐसे रखो वरना वो प्रॉब्लम हो जाएगा, बाकी जहाँ कर्सर रहेगा उसको सेलेक्ट कर देगा। ये एक चीज़ अंडू कीजिए, तो आप इस पे कर्सर रखो सिर्फ एल, यहाँ पे जाओ एल, यहाँ पे जाओ एल, यहाँ पे जाओ एल, कोई ये करने की जरूरत नहीं, शिफ्ट प्रेस करने की भी अब जरूरत नहीं, एल 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 एल। इतना अच्छा टूल्स मुझे आज तक नहीं दिखा फ्रेंड्स, आपको मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ कि इतना वर्क एक्सपीरियंस है मेरा, तो उसके हिसाब से नहीं देखा। तो चलो इसके ऊपर भी हम एक ऑल ओवर मटेरियल लगाएंगे, ओके, तब मैं ये काम करूँगा। तो अभी तो समझ में आ गया सिलेक्शन करना आपको क्या होता है सिलेक्शन, तो आप इसको सिलेक्शन करके, अभी सिलेक्शन कर ही लिया है तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे ए प्रेस करो एक बार, और ऑल सेलेक्टेड एस प्रेस करके आप जीरो प्रेस कर दो, तो आप क्लिक करके छोड़ दो, तो ये कहीं भी एक पड़ा हुआ है, ये स्पेसिफाई हो गया। आप चाहो तो जी प्रेस करके इसको बाहर इधर रख दो कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी होगा मटेरियल। अब मैं अगर अप्लाई करना है तो ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन फिर हम जाएंगे सेटिंग मोड पे, और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मटेरियल भी हम यूज़ कर सकते हैं, चलो वही एग्जिस्टिंग मटेरियल यूज़ कर लो। तो अगेन वही मटेरियल्स इसके ऊपर भी अप्लाई हो गए। अभी जब इस पर अप्लाई हो गए तो टैब प्रेस करके मैं क्या करूँगा, जो मेरा सेलेक्टेड था फिर से मैं यूवी एडिटर को ओपन करूँगा, क्योंकि एट ए टाइम यूवी एडिटर और शेडर अलग अलग रहता है, तो ये याद करो मैंने ये अलग रखा था इसको। आप ये इसको एक करके सेलेक्ट कर लीजिए और जी प्रेस करके कैसा कलर रखना है, मतलब जो विंडो होगा तो विंडो का कलर क्या रखोगे, चलो मैं मान लो कि ऐसा येलो कलर का रख दिया, थोड़ा ऐसा कुछ, ओके। तो आप देखो ऐसा कलर आपका दिखने लगा इसके ऊपर, लेकिन इसके जो अराउंड्स है, जैसे दिस ऑब्जेक्ट, तो आप यहां पे जा करके आप एल प्रेस करो सबको, सॉरी क्लिक नहीं करना है, याद रखना सिर्फ कर्सर यहां ले जाना है और एल प्रेस करना है, तो वो सिर्फ एलिमेंट्स को ही सेलेक्ट करेगा।
तो ये सिलेक्शन करने में काफ़ी आपको मदद मिलेगा आगे का जो भी, सॉरी मैं गलती से क्लिक कर रहा हूँ, आदत है हमारी तो मैं वो कर रहा हूँ। चलो अदर सॉफ्टवेयर भी दिन भर अदर सॉफ्टवेयर मेरा चलता है, तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, अब मेरा पूरा प्रोजेक्ट कन्वर्ट होने वाला है इसके ऊपर। देन इसे भी आप ऐसे कर लो, तो जितना भी एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट किया जो स्पेसिफिक अलग अलग है, देन इसके लिए जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है इधर इसका कंपोनेंट से ए प्रेस करो, एस प्रेस करके और जीरो प्रेस करके आप रखो, इसको जी प्रेस कर लो सेलेक्ट करके से। तो चलो इसका कलर कैसा, मुझे लग रहा है इसका कलर थोड़ा व्हाइट रखो, पूरा व्हाइट या पिंक कर दो, सपोज कि पेंटिंग किया हुआ है तो कोई भी कलर आप कर सकते हो, ब्लू करो, फिर जो भी करो, मैं रैंडमली कोई भी कलर ले रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप अब इस पे जाके कर्सर ले जाइए और इस पे एल प्रेस करो, तो बाकी को अनहाइड अनसेलेक्ट कर दो, फिर इस पे जाके एल प्रेस करो। देखो अब इस पे कौन सा कलर रखना चाहते हो, तो चलो मैं ऑल सेलेक्टेड इधर ए प्रेस करके, एस प्रेस करके, देन जीरो प्रेस करके और क्लिक कर दो, फिर जी प्रेस करके आप देखो कौन सा कलर रखना चाहते हो, पूरा ऑल ओवर जो बिल्डिंग होंगे। तो चलो बिल्डिंग का कलर मैं ऐसा रखता हूँ, थोड़ा सा मेरे को मतलब थोड़ा लाइट कलर में रख सकते हैं, लुक कीजिए, तो जी प्रेस करके थोड़ा सा और लाइटर कलर में जाओ, ब्लू लाइट जितना भी लग रहा है लाइक ये लाइट ले लो। तो आपका कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया। अब सबको अनहाइड करने के लिए हम कलेक्शन पे जाते हैं और अल्ट एच प्रेस करके देखते हैं, तो आप अब टैब प्रेस करो, तो अब देखो एक एक खूबसूरती दिखने लगा आपको इसमें। तो ऐसे कर करके आप सबको सेलेक्ट करो, अब इस पे जाओ, इसका इसे सेलेक्ट करके आप इनको भी शिफ्ट एच, तो ये हो गया। अब इसके साथ बस इतना ही एलिमेंट्स है जो हमें कलरिंग करना है। अब मैं इसका अलग कलर करूँगा, इसका अलग कलर करूँगा, बाकी बॉडी का अलग कलर होगा, मतलब इसका कलर और इसका कलर सेम होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा, तो कंपोनेंट मोड पे जाते हैं, देन एल प्रेस करके देखो, देखो क्या हो रहा है इंटायर, क्योंकि एक सिंगल है, इसका कोई टुकड़ा नहीं है इधर भी। तो यहाँ पे आपको फेस वाइज सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो जैसे इस पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट क्लिक करो इसके ऊपर, तो एक इंटायर ये पकड़ता है लाइक दिस, तो ये शिफ्ट पकड़ के और फिर क्लिक करके ले जाओ। तो सबसे पहले तो बात होती है इसके ऊपर मटेरियल लगा देना, कौन सा मटेरियल लगाना है। तो ऑल सिलेक्टेड ए प्रेस प्रेस कीजिए और ऑल सिलेक्टेड आप इसका भी आप शेडर में जाओ, आई थिंक ऑब्जेक्ट मोड पे चले जाइए और शेडिंग ग्रुप में जाओ, देन वही शेडर जो हमने ऊपर का मटेरियल है इसको हम अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, तो कुछ ऐसा दिखने लगा। ओके दिस सेलेक्टेड टैब प्रेस, देन आप इसका एडिट मोड में चले जाइए यूवी एडिटर में, और हमें क्या सेलेक्ट करना है, किस पे क्या देना है, तो हम फेस मोड पे जाते हैं, देन सेलेक्ट करते हैं और एक एक को सेलेक्ट करते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो बस आप करते जाओ यहाँ से, इवन दिस वन ऑल्सो शिफ्ट प्रेस होल्ड शिफ्ट, यही चीज़ हम बार बार दोहराते रहेंगे इसके ऊपर और हमारा एक फाइनल सीन बनेगा। ओके सो जस्ट दिस सेलेक्टेड, आप देखो ये ही सेलेक्टेड पार्ट है, इधर ए प्रेस किया और एस प्रेस किया और जीरो प्रेस किया और क्लिक करके छोड़ दिए, और फिर जी प्रेस करके हमें कैसा कलर रखना है। तो अब देखो चलो इसमें हम कलर देते हैं थोड़ा सा ऑरेंजी कलर लाइक दिस, ये कलर दे देता हूँ मैं, और बाकी का जो अपोजिट है जिसको हम कंट्रोल आई प्रेस करके अपोजिट सिलेक्शन में जब चले जाते हैं, तो बाकी का जो कलर होगा वही जो ब्लू कलर हमने दिया था सेम कलर दूंगा। ऐसे हमने इन्वर्स कैसे किया, कंट्रोल प्लस आई, जो सिलेक्टेड था उसको डिसलेक्ट किया, जो नहीं सिलेक्टेड था बाकी एरिया को जस्ट रिवर्ट हो गया। और यहाँ पे जाइए, ए प्रेस करो, एस प्रेस करो, जीरो प्रेस करो, क्लिक करो, फिर जी प्रेस करो और इसको रखो, कहाँ रखना है कौन सा कलर में, तो कौन सा कलर लिया था, आई थिंक एक कलर लिया था, तो इस कलर पे रख के छोड़ दो इसको। तो ये कुछ अब सबको अनहाइड कर लो बाय कलेक्शन क्लिक ऑल्ट एच ऑल्ट एच, तो बाकी सब अनहाइड हो गया और कुछ ऐसा दिखने लगा। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही मैं जोड़ते जोड़ते सबको कलराइज कर दूंगा, तो मतलब समझ लो कि आपका ये टेक्निक होता है कलर करने का, जो पॉली टेक्चर कलर हम लोग बोल सकते हैं इसको, और एक बहुत खूबसूरती के साथ ये प्रेजेंटेशन होगा आपका एक व्यूपोर्ट पे जब फाइनल रेंडर करोगे। तो अब आपको देखना है थोड़ा सा, मैं बता देता हूँ और वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा कि आज का टॉपिक यही मैं बता दिया आपको। आज का टॉपिक में आपने देखा पॉली टेक्चरिंग, लाइक पॉली टेक्चर कलर भी बोल सकते हैं आप इसको, समझने के लिए सिंपल कि आप टेक्चर मटेरियल से आप पॉलीगन को पेंट कर रहे हो, डायरेक्ट स्पेसिफिक पॉलीगन को जो आपका कंपोनेंट्स होता है, और वही कलर डिस्प्ले हो रहा है व्यूपोर्ट के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।